मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में चोरों ने एक बंद घर के ग्रिल का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की सूचना पर पहुंची सदर थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पीड़ित सहरसा जिले के बनगांव थाना क्षेत्र के बरियाही बस्ती निवासी मनोहर कुमार ने बताया कि मधेपुरा जिला मुख्यालय स्थित प्रोफेसर कॉलोनी में वह पिछले 5 वर्षों से किराए के मकान में रहते हैं। 27 अक्टूबर की शाम लगभग 4 बजे वह अपनी पत्नी के साथ अपने गांव गए हुए थे। 2 दिन बाद जब वे मधेपुरा अपने किराए के घर पहुंचे तो देखा कि मेन ग्रिल का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और अलमीरा का ताला भी टूटा हुआ था। चोरों ने अलमीरा के लॉकर को तोड़कर सारे जेवरात और 50,000 रुपए नगद चोरी कर लिए थे। उन्होंने बताया कि करीब 7 से 8 लाख के सामान की चोरी हुई है। उन्होंने थानाध्यक्ष से सामान बरामदगी की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थानाध्यक्ष राजकिशोर मंडल ने जांच पड़ताल की। उन्होंने बताया कि पीड़ित के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जल्द ही घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। परसों खुना 4 बजे माँ बीमारती तो हम अपने गांव अस्थाई निवास बरियाही सहरसा चले गए। वहां से 2 रोज रहने के बाद कल शाम में 6 बजे हम जैसे ही आते हैं, यहां ताला टूटा हुआ था, गेट पर बिखरा हुआ सारा सामान था। जैसे भीतर घुसते हैं तो गोदरेज वगैरह सारा टूटा हुआ था। उसमें जितना गोल्ड था, चेन था, 2 औंठी था, कान का बाली वगैरह था, सारा चीज सामान ले गया। 50,000 रुपया था गोदरेज में रखा हुआ, वो भी तोड़ के ले। लगभग कितना का क्षति हुआ है? 8 लाख। कहाँ का घटना है ये? घटना है प्रोफेसर कॉलोनी वार्ड नंबर 5। क्या करते हैं आप? मेरी वाइफ शिक्षिका है, हम थोड़ा सा बिजनेस इधर उधर करते हैं, ठेकेदारी वगैरह करते हैं। थाना को सूचना दिए थे? जी, थाना को सूचना दिए थे। थाना से थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष वगैरह सारा चीज आए हुए थे अपने से। क्या डिमांड करते हैं? डिमांड मेरा जो इस पर कानून कार्रवाई की जाए, मेरा सामान रिकवर किया जाए। दहशत में हैं, ऐसा न हो जो दोबारा भी ये अथी हो जाए, इस पर लगाम लगाया जाए। इससे पहले भी ऐसी घटना हुई थी? नहीं, पहले हमारे साथ ऐसी घटना नहीं हुई थी। किसी पे कोई शक वगैरह भी है? जी नहीं, हम तो अपने काम में बिजी रहते हैं, शक हम किस पर करें।